बेटा प्लीज मम्मी मेरे हाथ से मत पूछिए। इतना नहीं रोते बेटा। तो यतीम होने पर कितना रोते हैं मम्मी? ऊपर वाले ने पहले भी एक बार मुझे यतीम बनाने की कोशिश की थी, जब उसने मेरे माँ बाप को छीन लिया, लेकिन तब मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि रूबी थी, एक सहारा था, मेरा कोई अपना था। लेकिन आज रूबी भी नहीं रही मम्मी, आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई। सही मायने में मैं अपने आप को यतीम समझती। एक ही सांस में अपने आप को यतीम कहती है और मुझे मैं देखती हूँ कि मेरे होते तो अपने आप को यतीम कैसे कहती है। मैं जानती हूँ मैं कभी अच्छी सांस नहीं बनी, लेकिन अब मैं अच्छी मां बनके दिखाऊंगी। हाँ मम्मी, अब मैं आपकी बहू कहा रहे। क्यों, तो मेरी बहू क्यों नहीं रही? मम्मी मैंने ऋषभ से अलग होने का फैसला कर लिया है। मेरा प्लीज ऋषभ की तरह बचपन मत कर। मैं जानती हूं इस दौरान उसने तेरा जो कुछ भी किया था वो गलत था, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। नहीं मम्मी, आप माफी मांगे या ऋषभ माफी मांगे, इस गलती की माफी तो दे ही नहीं जा सकती। उसकी इस गलती की वजह से रूबी की मौत हुई है। रूबी जब आखिरी सांसें ले रही थी तभी मेरा और ऋषभ का रिश्ता दम तोड़ चुका था मम्मी। प्लीज बेटा,